भारत में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति और उसका प्रभाव। आर्थिक नीति के अंतर्गत या प्रभाव के अंतर्गत हम जिसे कवर करेंगे वो एक है कृषि, कृषि के बाद उद्योग, उद्योग के बाद व्यापार, व्यापार के बाद रेलवे, रेलवे के बाद अकाल, धन का निष्कासन। ठीक है, धन का निष्कासन। अब इसमें देखो कि क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा कहां से बनती है, तो क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा बनती है कि व्यापार पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, व्यापार पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आएगा कभी। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे कि भारत में ब्रिटिश सरकार के आर्थिक प्रभाव की पहचान करें, तो उसमें व्यापार के ऊपर भी दो लाइन चार लाइन कह देंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट टॉपिक के रूप में व्यापार पे क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जब क्वेश्चन पूछना होगा तो या तो कह देंगे कृषि क्षेत्र में प्रभाव, कृषि क्षेत्र में प्रभाव, ये सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा कि कृषि के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, या तो एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन पूछ देंगे भू राजस्व, भू राजस्व नीति और इसका प्रभाव, भू राजस्व नीति और इसका प्रभाव। तो या तो सिंपल एग्रीकल्चर का भारत में ब्रिटिश शासन के दौर में क्या स्वरूप विकसित हुआ, या तो भारत में ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व नीति क्या थी उसका प्रभाव क्या पड़ा। उद्योग के अंदर जाओगे तो दो तरीके का सवाल आ सकता है। एक सवाल यह कि परंपरागत उद्योग का पतन क्यों हो गया। भारत में परंपरागत उद्योग दुनिया में सबसे अग्रिम पंक्ति में हुआ करता था, तो परंपरागत उद्योग का पतन क्यों हो गया, और दूसरा कि आधुनिक उद्योगों का विकास, आधुनिक उद्योगों का विकास क्यों नहीं हुआ, आधुनिक उद्योगों का विकास क्यों नहीं हुआ, समझ गए। इन दोनों तरीकों से सवाल आ सकता है। व्यापार के लिए मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, यही जब हम उद्योग पढ़ेंगे तो व्यापार से संबंधित चर्चा भी हो जाएगी। बस इतनी पंक्ति ही आपके दिमाग में अभी बैठ जाना चाहिए कि 1757 के पहले तक यूरोपीय लोग जब भारत से व्यापार करते थे तो वो भारत के उद्योगपतियों के द्वारा तैयार किया गया माल खरीदते थे, और इसके लिए वो अपने अपने देश से पैसा लाते थे, और उस समय कागज का करेंसी नहीं चलता था तो वो सोना चांदी का सिक्का लाते थे। भारत में उनके यहां के प्रोडक्ट्स की मांग प्रायः नहीं थी, तो नतीजा यह निकल के आता था कि इंडियन प्रोडक्ट्स जाता था और यूरोपियन करेंसी आता था, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके फेवर में दिखता है, इंडिया के फेवर।
1757 ईस्वी के बाद क्या हुआ, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 1757 के बाद में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने प्रभाव में वृद्धि शुरू कर दिया। इस रास्ते उनको कई माध्यमों से धन मिलने लगा। पहले पलासी से धन मिला, फिर द्वैध शासन से धन मिला, और फिर 1773 में तो प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत हो गई, तो उससे धन मिला। और जब धन उन्होंने हिंदुस्तान में ही कमाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने हिंदुस्तान की वस्तु इसी से कमाना शुरू कर दिया। और हिंदुस्तान की वस्तु कमाने लगे, सॉरी, हिंदुस्तान की वस्तु भारत में हासिल किए गए धन से ही खरीदने लगे और उसको यूरोप में जाकर वो बेचने लगे। तो क्या हुआ, भारत में उनका शासन, भारत का धन उनके हाथ, उसी धन से भारतीय वस्तु की खरीद, भारतीय वस्तु की खरीद करके बेच दिया इंग्लैंड में, और वहां आमदनी उनकी हो गई। भारत को क्या मिला, बोलो, कुछ मिला क्या? तुम जाते हो दुकान, तुम्हें खरीदना है एक बुक, 300 रुपया देते हो और एक अच्छी सी किताब तुम्हें मिल जाती है। दुकान वाले को 300 रुपया मिल गया, तुमको एक किताब मिल गई। ये क्या है, विनिमय, लेन देन। पहले क्या होता था, अंग्रेजों का भारत के साथ में व्यापार, तो वो पैसा देते थे, हम सामान देते थे, मेरा सामान गया, उनका पैसा आया हमारे देश में, वो होता था विनिमय। अब क्या हुआ, भारत का सामान जा रहा है इंग्लैंड और भारत को मिल रहा है कुछ भी नहीं, तो ये क्या है, धन का निष्कासन। तो 1757 तक तो चलता था ट्रेड, 1757 के बाद के दौर में देखोगे तो भारत से इंग्लैंड की ओर वस्तुओं के जाने में कोई कमी नहीं आई, बल्कि थोड़ी वृद्धि हुई है। भारत की वस्तुओं की इंग्लैंड की ओर जाने में कमी नहीं आई है और वृद्धि हुई है, क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन हो गया भारत में स्थापित, कई सारे इलाकों में डायरेक्ट कंट्रोल हो गया अंग्रेजों का, तो उस इलाकों से और ज्यादा ज्यादा सामान खरीदने लगे, अंग्रेज भेजने लगे यूरोप। और चूंकि पैसा ज्यादा बढ़ गया था, रेवेन्यू का पैसा उनके हाथ में आ गया था, तो स्वाभाविक है कि और ज्यादा सामान खरीदेंगे। तो सामान खरीद कर यूरोप में बेचने की मात्रा में वृद्धि हो गई। ये और बात है कि उस दौर में माल तो जा रहा है, लेकिन तब भी भारत कंगाल हो रहा है, क्योंकि भारत का माल जा रहा है, उसके बदले में भारत को पैसा नहीं मिल रहा। अब आप देखोगे कि 1813 के बाद एक नई चाल शुरू हुई। अब आराम से समझ सकते हो, क्योंकि आपने 1813 का एक्ट भी पढ़ा है, 33 का एक्ट भी पढ़ा है। 1813 में एक नई चाल की शुरुआत क्या हुई, वो ये कि इंग्लैंड के उद्योगों में उत्पादित होने वाली वस्तुएं भारत के बाजार में आने लगी। इंग्लैंड के उद्योगों में उत्पादित होने वाली वस्तुएं भारत के बाजार में आने लगी। 1813 से पहले इनके ऊपर पाबंदी लगी हुई थी। पाबंदी क्यों लगी हुई थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक अंग्रेज व्यापारी कंपनी को भारत से व्यापार करने का एकाधिकार था, मतलब उनके सिवा किसी दूसरे को भारत से व्यापार करने का अधिकार नहीं था, कोई अंग्रेज नहीं आ सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवा। तो ऐसी स्थिति में उद्योगों के जो उत्पादक थे वो अपना माल बेचने के लिए इंडिया नहीं आ पाते थे। 1813 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म हो गया था कि नहीं, हो गया था ना, तो इंग्लैंड के उद्योगों का माल भारत के बाजार में उतरने लगा। अब एक बात बताओ कि यदि किसी देश का एक ट्रेडिंग कंपनी सरकार के माध्यम से प्राप्त एकाधिकार का उपयोग करता हो भारत के साथ में व्यापार करने में, और बाकी सारे उद्योगपतियों और व्यापारियों के ऊपर पाबंदी लगी हुई हो कि तुम नहीं कर सकते हो, ऐसी आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है?
ऐसी आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? ऐसी आर्थिक प्रणाली को कहा जाता है वाणिज्यवाद या वणिकवाद, अंग्रेजी में मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म निरंकुश राजतंत्र के दौर की आर्थिक विचारधारा है, जिसकी मान्यता यह थी कि राजा ही तय करेगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से देश के लिए अच्छा क्या है। और राजा को जब तय करने का अधिकार दिया गया तो राजा ने एक कंपनी को कह दिया कि तुम ट्रेड करो, बाकी को कह दिया तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन जब दूसरी अवस्था आती है और राजा के बारे में ये बात कही जाए या सरकार के बारे में ये बात कही जाए कि अर्थव्यवस्था में उनका दखल कम होना चाहिए, उन्हें नहीं तय करना चाहिए कि आर्थिक नीति क्या होगी, बल्कि लोगों को आजादी दे देना चाहिए, वो अपने विवेकानुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी आर्थिक नीति और अपना आर्थिक व्यवहार करेंगे। स्टेट का काम मूल रूप से लोगों को जान माल की सुरक्षा देना है, उसका काम आर्थिक नीतियों का निर्माण करने का नहीं है। यह बात कौन सी विचारधारा कहती है? यह बात कौन सी विचारधारा से जुड़ी हुई है? उदारवाद तो सही बोल रहा है, पूंजीवाद, पूंजीवाद कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक ऐसी विचार, अभी सुनो समझा रहा हूं, लिखवा भी दूंगा। कैपिटलिज्म वो विचारधारा है जिसकी मान्यता है कि राज्य को अर्थव्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए, व्यक्ति को अधिक से अधिक आर्थिक आजादी मिले और सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को जान माल की रक्षा प्रदान करे, कोई किसी की जान न ले ले, कोई किसी का माल न छीन ले, और यदि ऐसा किसी ने किया तो ऐसा करने वाले को रोककर लोगों की आर्थिक आजादी या अन्य प्रकार की आजादी को वह सुरक्षित बना ले, बस उसका इतना ही दायित्व है। समझ गए? तो वाणिज्यवाद के अंदर राजा होता है शक्तिशाली और वो वही करता है जो उसकी मर्जी होती है, जो उसका विवेक कहता है। और पूंजीवाद में राज्य का दखल सीमित होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने तक ही सीमित होता है, और लोग आर्थिक रूप से अपनी नीति अपनाने और अपना व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसे दूसरे शब्दों में राज्य की ओर से अपनाई जाने वाली अहस्तक्षेप की नीति भी कहा जाता है, यानी कि व्यक्ति की आर्थिक नीति क्या हो, व्यक्ति का आर्थिक व्यवहार क्या हो, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य दखल नहीं देगा, वो आपको आजाद कर देगा और आप जो करेंगे वो करते रहिए, स्टेट विल नॉट इंटरफेयर। तो क्या आपको बात समझ में आ गई और हस्तक्षेप की नीति का मतलब क्या होता है? तो 1813 ईस्वी से हिंदुस्तान में सरकार ने हस्तक्षेप की नीति की शुरुआत किया या कि अहस्तक्षेप की नीति की? क्या सुना तुम लोग? ईस्वी से इंग्लैंड की सरकार ने लोगों के आर्थिक व्यवहार में हस्तक्षेप बढ़ा दिया कि घटा दिया? ठीक है ठीक है, डोंट वरी, पहली बार कोई भी चीज लोग पढ़ता है तो थोड़ी गड़बड़ी करता है, निसंकोच होके निर्बंध निर्भीक होके बोलो। कितने लोगों को लगता है कि सरकार ने 1813 ईस्वी से हस्तक्षेप को बढ़ा दिया? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, तुम थोड़ा एक्सप्लेन करो क्यों लगता है कि हस्तक्षेप बढ़ाया?
एक माइक का इंतजाम करिएगा स्पेशली, जब कभी चर्चा हो तो किसी को दूं, नहीं तो फिर ये बोलेगा तो पीछे कोई सुनेगा नहीं, ठीक है? मतलब एक हैंड माइक वाला। हाँ अभी नहीं, अभी अभी है क्या? है तो ले जाइए। बहुत सारे ब्रिटिश कंपनी भारत में आ सकते थे, तो इससे सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया कि घट गया? तुम क्या बोल रही थी? अरे कोई बात, कोई बात। हाँ तुम क्या बोल रही थी? अच्छा पहले पहले इन्होंने हाथ उठाया था, हाथ उठाए थे ना हस्तक्षेप के बारे में, तो बताओ एक्सप्लेन करो। मैं ये कह रहा हूं कि गलत हो जाने से कोई नुकसान नहीं है, तुमको लगा कि हस्तक्षेप बढ़ा, तो क्यों लगा कि हस्तक्षेप बढ़ा इसे एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने के बाद भी तुम गलत हो जाओगी तो ऐसा थोड़े है कि तुमसे जुर्माना लिया जाएगा। बोलो, कुछ बोलना चाहती हो? ओके नो प्रॉब्लम। हाँ आगे पीछे बोलो, खड़ा बोलो। अरे बहुत सीधी सीधी बात है कि 1813 ईस्वी के दिन तक या उसके पहले के समय तक इंग्लैंड की सरकार कहती थी कि मेरे द्वारा एक कंपनी को अधिकार दे दिया गया है, सिर्फ वही व्यापार करेगी और किसी को अलाउड नहीं है। यह है हस्तक्षेप। 1813 के दिन सरकार ने कह दिया हम किसी के मामले में कोई दखल नहीं देंगे, जिसको मन है करो, जिसको मन है उसको करो, सबको आर्थिक आजादी मिल गई। जब सबको आर्थिक आजादी मिल गई तो यह हस्तक्षेप बढ़ा कि घटा? सबको मिल गई तो घट गया ना, तो सबको मिली थी कि नहीं आजादी? ये तुम पहली बार कंफ्यूज कर रहे हो, कोई बात नहीं है, समझने के पैटर्न में एक दोष होता है बच्चों के। लोग क्या समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार खत्म किया गया, हमने सरकार ने एक बड़ा आर्थिक निर्णय लिया। अरे खत्म किया गया का मतलब यह है कि इंग्लैंड में हजारों उद्योगपति और व्यापारी थे, उन सब पर बांध लगा दिया गया था कि कोई नहीं कर सकता इंडिया से ट्रेड। उन सब की आर्थिक आजादी को सरकार ने बांध के रखा था, बांध तोड़ दिया गया, जिसको करना है तो करो। आज के बाद हम ना ये कहेंगे कि वो करेगा, मैं भी कहेंगे कि वो करेगा, जिसको करना है तो करो। इस तरीके से सरकार ने अपने हस्तक्षेप को खत्म कर दिया और बाकी सबको आर्थिक आजादी दे दिया। तो ये भारत में पूंजीवाद की शुरुआत है कि वाणिज्यवाद की? पूंजीवाद की। कितने लोगों को लगता है कि यह भारत में वाणिज्यवाद की शुरुआत है? बोलो, अब सब कोई समझ गए? एक मिनट ज्यादा लग गया तो क्या हो गया? ऐसा नहीं है कि तुम नहीं समझो क्योंकि तुम कम समझदार हो और कोई ज्यादा समझदार है। अरे बैकग्राउंड से तय होता है सब कुछ। एक मिनट ज्यादा पढ़ लिए इसी को तो समझ गए। तो 1813 ईस्वी से हिंदुस्तान में जिस पूंजीवाद की शुरुआत हुई, उस पूंजीवाद की शुरुआत करने के पीछे इंग्लैंड की सरकार की कुछ तो मनसा रही होगी, कुछ तो उनकी सोच रही होगी, उद्देश्य रहा होगा। क्या उद्देश्य था? आखिर उन्होंने हिंदुस्तान में इंग्लैंड के उद्योगों के उत्पादकों को अपना माल बेचने का अधिकार दे दिया तो क्यों, या भारत से कच्चा माल खरीदने का अधिकार दे दिया तो क्यों? इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति मजबूत हो। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति यदि मजबूत होगी तो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी।
तो क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि सरकार ने जो पूंजीवाद शुरू किया भारत में 1813 से, उसके पीछे औद्योगिक क्रांति का हाथ था? बोलो, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की सहायता करना था, इसीलिए सरकार की इस नीति को कई लोग औद्योगिक पूंजीवाद भी कहते हैं। वो पूंजीवाद जो इसलिए आपने शुरू किया क्योंकि आपको इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की सहायता करना था। तो क्या आपको औद्योगिक पूंजीवाद शब्द का अर्थ मालूम हो गया? बोलो भाई। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। यदि इंग्लैंड के उद्योगपति भारत से आकर कच्चा माल खरीद ले या भारत में आकर अपना माल बेच ले, यह तो औद्योगिक पूंजीवाद कहलाया। लेकिन यदि इंग्लैंड का कोई वित्तपति जिसके पास पैसा है ज्यादा, वो इंडिया में आके अपने धन का निवेश करे, इंडिया में आके अपने धन का निवेश करे, तो उसे क्या कहेंगे? वाणिज्यवाद खत्म हो गया जिसमें सरकार दखल देती थी। वाणिज्यवाद का मतलब होता है जिसमें कि सरकार ही आर्थिक नीतियां तय करेगी। लेकिन जब सरकार ने आपको आर्थिक आजादी दिया, तो उस आर्थिक आजादी के तहत क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा कि आप हिंदुस्तान से आके कच्चा माल खरीदेंगे और हिंदुस्तान में आके अपने उद्योग का माल बेचेंगे? क्योंकि यह भी हो सकता है कि आपको लगेगा कि इंडिया में ही धन का निवेश करना अच्छा है, तो इंडिया में ही धन का निवेश करने लगेंगे। ये हो सकता है कि नहीं? क्या ये होने सकता कि अंग्रेज को लगे कि इंग्लैंड में धन के निवेश में ज्यादा फायदा नहीं है? क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में जिस वस्तु का उत्पादन हम करते हैं उसका कच्चा माल तो इंडिया से ही लाते हैं, फिर उस वस्तु को बेचने भी हम इंडिया ही जाते हैं, तो लाने के वक्त में भी टैक्स, ले जाने के वक्त में भी टैक्स, ऊपर से दोहरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऊपर से इंग्लैंड में लेबर कॉस्ट ज्यादा, भारत में आबादी ज्यादा है, वहां लेबर कॉस्ट कम, ऊपर से इंग्लैंड में हमारे जैसे इसी वस्तु के 10 और उत्पादक हैं, कंपटीशन ज्यादा है, तो इंग्लैंड में उस वस्तु का प्राइस ऐसे भी कम है, तो इंग्लैंड में ज्यादा लाभ हो नहीं रहा है, तो बेचना भी मूल रूप भारत में ही है, वहां कंपटीशन भी नहीं है, तो ऐसे में बेहतर है कि हम अपने माल को इंडिया में उत्पादित करें से ज्यादा, इंग्लैंड में उत्पादित करें से ज्यादा बढ़िया कि इंडिया में ही करें। तो इंडिया में ही क्यों ना हम अपने धन का निवेश करते, ये कर सकते हैं कि नहीं? अंग्रेज उद्योगपति भी ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं? क्या वो ये सोचेंगे कि नहीं, हम अंग्रेज हैं तो अपना पैसा इंग्लैंड में लगाएंगे? बोलो, व्यापारी वही निवेश करेगा जहां को फायदा ज्यादा होगा। हम बिहार से दिल्ली आ गए पहाड़ी के लिए, मन नहीं लगता है, सही पता नहीं क्यों नहीं मन लगता है, लगता है आसपास में लोग सब के सब एकदम व्यापारी टाइप का आदमी है, सब दुकानदार टाइप का आदमी है, पूरा चाल चरित्र चेहरा सब दुकानदारों वाला है, गांव वाला कोई भी चीज ही नहीं है, गांव में उतना ज्यादा धंधावादी नहीं चलता है, सब चाल चरित्र चेहरा, छोटी 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 बातों पर दुकानदारी चलती है, सिर्फ व्यवहार ही नहीं, विचार ही नहीं, पूरा का पूरा आचरण भी दुकानदारों वाला ही है। चार पैसा ज्यादा कमा लेगा तो काला खाड़ा करके चलेगा, पैसा घर जाएगा तो पांव पकड़ लेगा, पैसा नहीं दे रहा है कमा के तो बाप को कुछ नहीं समझेगा, माँ को कुछ नहीं समझेगा, भाई बहन का कोई रनाता नहीं। हमारे पड़ोस में एक लड़के की बहन मर गई तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया, उसका उसके बहन का भाई उसको बहन का पति मार दिया, मतलब बहन का पति मार दिया उसको। हम उसको पूछे कि तो तुम कुछ केस भी नहीं किया? मतलब टाइम ही नहीं निकलता, उसने मन के दो तमाचा मारे, टाइम ही नहीं निकलता, इतना बिजी हूं, काम बहुत रहता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, टाइम नहीं निकलता। हमारे यहां चलो आधे झगड़े सिर्फ इसीलिए है कि तो हमारी बहन का नाम का ही लिया नाम लिया, बहन का नाम दे लेगा,
समाज है यार, देहात अलग होता है, शहर कंक्रीट का जंगल है, ये है जंगल ही, बस यहां है कि ईंट पत्थर लग गए हैं सब। तो यहां पर इंसान की संवेदना के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन तब भी है तो दिल्ली में ही, क्यों? चार पैसा कमाएंगे, बाल बच्चा को पोसेंगे पालेंगे, आगे बढ़ेगा, मां बाप को बुलाए आते नहीं है रहने के लिए, हम भी मां बाप से अलग ही रहते हैं, कुल मिलाकर है शहरी ही। ये और बात है कि अंदर कुछ केमिकल लोचा होता रहता है, अंदर कुछ कुछ होता रहता है, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, बट है तो अर्बन ही है। तो हम आपको ये कह रहे थे कि जो आदमी पैसा कमाता है और कमाना चाहता है, वो अपने पैसे का निवेश जरूरी नहीं कि अपने गांव में करे, ज्यादा आमदनी होगी तो बगल गांव कर देगा, उससे ज्यादा आमदनी होगी तो शहर में कर देगा, उससे ज्यादा आमदनी की संभावना रहेगी बगल के जिला में कराएगा, बगल के राज्य में कराएगा, दूसरे देश में कराएगा। इसीलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि पूंजीपति का एक ही स्वभाव है, और ज्यादा पूंजी कमाना, उसका एक ही भगवान है पूंजी। ओनली गॉड अ बिलियनायर नोज इज अनदर बिलियन डॉलर, एक करोड़पति का भगवान क्या है तो करोड़ रुपया, एक करोड़ रुपया और मिल जाए बस वही अब सोचता रहता है। तो ऐसे में अंग्रेज भी तो अपना धन भारत लेकर आएगा निवेश करने के लिए। जब आपके देश में अंग्रेज धन का निवेश करने आए और आप उसे न रोके, आने की छूट दे दे, उसी को कहते हैं वित्तीय पूंजीवाद। बात समझ में? वित्त लेकर आया तो वित्तीय पूंजीवाद, और उद्योग की क्रांति के लिए कच्चा माल खरीदने या बाजार खरीदने आया या माल बेचने आया तो उसको कहते हैं औद्योगिक पूंजीवाद। तो तीन शब्द मैंने आपको पढ़ाया, ये सब शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधे सीधे शब्द रहेंगे क्वेश्चन में, यदि शब्दों को नहीं समझोगे तो सारी की सारी कथा कहानी पढ़ना बेकार है, इसलिए पहले तीनों शब्दों से वाकिफ होना जरूरी था। क्या आपके दिमाग में वाणिज्यवाद समझ में आ गया, औद्योगिक पूंजीवाद समझ में आ गया, वित्तीय पूंजीवाद समझ में आ गया? तीनों लिखो। वाणिज्यवाद एक आर्थिक प्रणाली, वाणिज्यवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली थी, वाणिज्यवाद तुम लिख नहीं रहे हो, अपने साथ लेखक लाए हो, पढ़ने आए हो कि मजा करने आए हो जी, कॉपी नहीं लाया है? तो डेमो माया तो डेमो माने को पता होता है लिखना पढ़ना बंद है, बगल वाले से मांग लो यार, कलेक्टर बनना चाहते हो कागज कलम नहीं व्यायाम कर सकते हो, लिखो, एक कलम भी दे दो भाई। क्या लिखा? वाणिज्यवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली, पूरा एक बोलो, एक ऐसी आर्थिक प्रणाली थी जिसमें राज्य आर्थिक नीतियों का निर्माता होता था, राज्य आर्थिक नीतियों का निर्माता होता था, और इसके तहत लोगों की आर्थिक आजादी नहीं के बराबर होती थी, लोगों की आर्थिक आजादी नहीं के बराबर होती थी। इसी व्यवस्था के तहत
इसी व्यवस्था के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की सरकार ने भारत से व्यापार का एक अधिकार प्रदान किया। यानी कि अन्य अंग्रेज कंपनियों को भारत से व्यापार की अनुमति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लिखो पूंजीवाद यह ऐसी आर्थिक विचारधारा है जिसमें लोगों को स्वतंत्र होकर आर्थिक नीति अपनाने का अधिकार प्राप्त होता है यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में राज्य का दखल कम हो जाता है अधिनियम के माध्यम से जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1813 के अधिनियम के माध्यम से जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म हुआ और सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की अनुमति मिल गई यानी कि आर्थिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप समाप्त हो गया यानी कि सब आर्थिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप समाप्त हो गया